लॉकडाउन का एक्चुअली एक नतीजा ये हुआ कि हमें तुरंत अपने जितने भी प्रतिष्ठान थे वो बंद करने पड़े। सारी गतिविधियां, चाहे वो औद्योगिक थी या जो व्यापारिक थी या अन्य तरह की कोई भी गतिविधियां थी, तुरंत बंद कर दी गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि आदमी थोड़ा सा विचलित हो गया अपनी चीजों को लेके। हमारा उद्योग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सब लोग जानते हैं। एमएसएमई उद्योग जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जीडीपी में भी, और कहिए कि आर्थिक व्यवस्था में। तो हम लोगों का ये मार्च का महीना था, और इस मार्च के महीने में बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, हम उसको लेके चल रहे थे। लेकिन क्योंकि उद्योग बंद हुए और उससे पहले वर्क क्योंकि कम हेल्डअप हुआ था, मार्च के महीने में ही होली आ गई थी, काम नहीं हो पा रहा था पूरी तरह से। तो हमारा जो जो पेमेंट्स थे, जो पैसा आना था, उन सब पैसे आने में एक दिक्कत हुई, और उस बंदी की वजह से वो पैसा सब जगह हेल्डअप हो गया, चाहे वो प्राइवेट को हमने दिया हो या गवर्नमेंट को दिया। लेकिन अब गवर्नमेंट को जो सामान दिया, आपको बड़ा सुन के आश्चर्य भी होगा कि करोड़ों रुपया हम लोगों का, एमएसएमई का और हमारे सदस्यों का, क्योंकि हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएसएमई के कहने पे, करोड़ों रुपये का हमारा देनदारी उन लोगों को देनी है हमें, सरकारी विभागों को और बड़े बड़े जितने भी उद्यम हैं, जितने कॉरपोरेट्स हैं, क्योंकि हम लोग उन लोगों को सामान ज्यादा सप्लाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सर हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। मार्च महीने में एक आप लोगों की तरफ से आदेश निकाला गया कि हमें पूरा पैसा जमा वो सैलरी के रूप में अपने वर्कर्स को, अपने कर्मचारियों को देना है। बहुत सही बात मैं आपको सर बताना चाहता हूँ। हमें बहुत पीड़ा हुई दो चीजों से। एक तो हमारे जो ये आदेश था उसके अंदर जो दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान रखा गया, वो उससे हमें उसे आशा नहीं थी कि हमारे जो गवर्नमेंट है हमारे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं करती कि हम अपने काम को अंजाम देंगे। वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन सर, हम भी इस जो समाज है उसके बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं। अपना सब कुछ लगाने के बाद हम लोग अपना इसका संचालन करते हैं अपने उद्योगों का, और आपके द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उन सबका अनुपालन करते हैं। तो उस ऐसी परिस्थिति में जब एक विपदा की स्थिति आ गई हो, तो वो सब हमारे लिए भी है, आप लोगों के लिए भी, यानी कि पूरे संसार के लिए है, पूरे देश के लिए है और हर प्राणी के लिए है। तो ऐसी स्थिति में एक इस तरह का आदेश हमें बहुत पीड़ा पहुंचाई। उसके साथ साथ जो हमारे जो ये क्या नाम है, ट्रेड यूनियन को जो आप लोगों ने अधिकृत किया कि हम लोगों के पास आकर वो ये सब चीज देखे, तो उससे भी हमें थोड़ा सा पीड़ा हुई। मेरी रिक्वेस्ट है सर, हम लोगों पर विश्वास करिए, हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हम पूरी सरकार के साथ खड़े हैं, सामाजिक सरोकार में हमारा पूरा योगदान है। हम हर जगह अपना पैसा भी दे रहे हैं, अपनी और तरह की मदद भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम अपने वर्कर्स का पूरा ध्यान रखते हैं, वर्कर्स हमारी पूंजी है सर। वर्कर्स का हमें उनका संरक्षण करना, उनका देखभाल करना, ये हमारा दायित्व है। नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ हम लोगों का मानवीय दायित्व भी है। तो इस ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को आप एक ऐसा विश्वास में रखते हुए, अगर जो ऐसा हम लोगों को आप आदेश देते कि इनका ध्यान रखना है, लेकिन दंडात्मक कार्रवाई और इस तरह से चीजों से अगर जो हम हमारे आदेश में ना होता, तो शायद हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होते और हम लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन सर आज की स्थिति ये है, मार्च महीने का तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने दिया, और ये परिस्थिति सब आपके सामने हमने रख दी। आज हमारे पास पैसे का अभाव है, हमारा पूंजी खत्म है, और उन पूंजी उस पूंजी को सत्यता ये है कि क्योंकि हमारे फिक्स फिक्स खर्चे हमारे लगातार बड़े बने हुए हैं, जो हमारे खर्चे होते हैं आज, क्योंकि कई हमारे से इनकमिंग नहीं हो रही, जो हमारे जो भुगतान है, जो लोगों पे हमारी देनदारी है वो भी रुकी भी पड़ी है, कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, चाहे वो कॉरपोरेट्स हो चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जबकि हम हर जगह अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ बैंकों की तरफ से भी हमें कोई बहुत सुविधा नहीं मिल रही। कुल मिला के मैं ये बताना चाहूंगा सर कि आज की परिस्थिति में ज्यादातर हमने एक सर्वे किया, 90% लोगों के पास आज पैसा धन अभाव होने के कारण वो अपना वेतन
अप्रैल माह का अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में असमर्थ। 90% लोग, मैं तो सर इतना कहूँ, ये सर हमारे पास रिकॉर्ड है, ये जो हमारा सर्वे हुआ था इसका रिकॉर्ड हमारे पास है, कभी आप चाहेंगे तो आपके पास हम भिजवा देंगे। इसके साथ साथ सर जो जो हमारे कर्मचारी हैं, क्योंकि हमारे परिवार का सदस्य है, तो ऐसा नहीं है कि हम उनका ध्यान नहीं रखना चाहते, हमारे पास पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं से कैसे भी करके हम उनको इतना पैसा तो जरूर देंगे जिससे उनका भरण पोषण हो सके, उनके परिवार का भरण पोषण हो। जितनी तो ऐसी स्थिति में सर आप अपने सामर्थ्य, हमारे ऊपर ये छोड़ दीजिए, हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हम उनको पैसा देंगे, लेकिन हमारे ऊपर अगर जो बंदिश होगी तो निश्चित रूप से सर हमें पीड़ा होगी, हमें परेशानी होगी और हम कर भी नहीं पाएंगे। तो आप से निवेदन ये है कि सरकार की तरफ के से क्या हमें इसमें आसानी हो सकती है, छूट मिल सकती है, कोई आपकी योजना हो जिससे कि हम वर्कर्स को आप लोग अपनी तरफ से सरकार की तरफ से पैसा दें, क्योंकि उद्यमी आज इस स्थिति में नहीं है कि वो पैसा दे पाए। दूसरी चीज ये है कि सर जो हमारे वर्कर्स हैं, मैं उनकी स्थिति थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस आदेश का एक रिपरकेशन, इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे वर्कर्स अब काम पर आने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमें तो पैसा मिल रही है, गवर्नमेंट हमें पैसा दिलवा ही रही है, उनसे अगर जो हम संपर्क करते हैं तो या तो वो अपने मोबाइल फोन और वो बंद कर देते हैं, और यदि खोल के बात भी करते हैं तो सब अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। तो सर मेरा एक निवेदन है कि कर्मचारियों के लिए भी आपकी तरफ से एक आदेश इस तरह का निकले कि यदि बुलाने पर आप नहीं आते हैं तो आपको आपको एब्सेंट माना जाएगा उस उद्यम में, तो इससे कम से कम उनपे एक जो एक अंदर उनके भावना उत्पन्न हो गई है वो भी इस बात को समझेंगे। कुछ लोग तो ऐसा सुनने में आया कि वो लोग डबल सैलरी मांगने की बात करने लगे। देखिए जी, जो गवर्नमेंट दिलवा रही है आपसे वो तो दिलवा ही रही है, मैं अगर जो आता हूँ तो मैं डबल लूंगा, मतलब उतना सैलरी और लूंगा। तो इस तरह की जो भ्रांतियां उनके बीच में उत्पन्न हुई है, मैं चाहता हूँ कि सर ये भी, इन शब्दों के साथ मैं बहुत से और विषय हैं, हमारे और पैनलिस्ट हैं तो वो भी अपने अपने विचार रखेंगे। तो मैं तो सर एक ही निवेदन करूंगा कि इस समय हमें आपकी आवश्यकता है, आपकी मदद की आवश्यकता है। उद्यमी हमेशा आपके और सरकार के साथ खड़ा है, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे सामाजिक सरोकार के रूप में हो, जहां जहां हमारी जरूरत पड़ी है हम लोगों ने, हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। ऐसी स्थिति में सर हमें आपकी आवश्यकता है, हमारे मजदूरों को पैसा आप लोग कहीं से मुहैया कराइए जिससे कि हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में ला सके। क्योंकि देखिए एक एफआईआर वर्ड ऐसा होता है सर कि हर उद्यमी पुलिस के नाम से एफआईआर के नाम से डरता है। आपका जो दूसरा आदेश भी आया उसमें भी एफआईआर का जिक्र है, मैं ये चाहता हूँ सर ये भ्रांति एफआईआर वाली किसी तरह से खत्म करवाइए और हम लोगों को कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए, भयमुक्त वातावरण में लाने के लिए आप कुछ प्रयास करिए। थैंक यू सर, आप मनमोहन जी। पंकज गुप्ता जी, थैंक यू पंकज जी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा।